हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम मैच कराने जा रहे हैं सीएम पंक का, रोमन रेंज का, रैंडी ओटन और जे उसो के साथ। तो देखते हैं क्या होता है। सॉरी, मेरे यहाँ मैच थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैच शुरू हो गया है। सबसे पहले फ्यूचर बच गए हैं, मुझे लग रहा है रैंडी ओटन लगाने जा रहे थे अपना फ्यूचर, लेकिन थोड़ा सा बच गए हैं। थोड़ा डिस्टेंस का फ़र्क था, लगा दिया। चलो, अरे सीएम पंक ने रिवर्स कर दिया है, उसे कैच कर जाएगा। चलो, इसमें रैंडी ओटन बस वो वाला फिनिशर नहीं है, कौन सा रोप वाला होता है ना, सॉरी रोप वाला फिनिशर है, सॉरी सिग्नेचर है। अगर एआई ने लगाया तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। रोमन ने एकदम पीछे से तगड़ दिया रैंडी ओटन अपना टैग जेउसो को देने जा रहा हूँ। जेउसो के पास एक फिनिशर है जो कि स्पीयर है, और लगाते ही मुझे लग रहा है लग जाएगा, लग गया। चलो ठीक है, अभी सीएम पंक इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगे, अभी इतनी जल्दी पिनफॉल नहीं होगा। अब इसके बाद अगर सीएम पंक चाहें तो टैग दे सकते हैं रोमन रेंस को। वैसे ये रोमन रेंस की बियर्ड एक बार आप लोगों ने गौर से देखी है, थोड़ी चेंज होगी, काफ़ी अच्छा मोड था ये इनका। ओवरऑल लगभग 97 है ये वाले रोमन रेंस का, देखते हैं। वैसे इतनी दूर से कैच कर रहे नहीं होगा, इतनी दूर से ग्रैपल करके वहाँ तक ले जाएंगे तो बीच में तो रिवर्स हो ही जाएगा। वैसे सीएम पंक अच्छा खेल रहे हैं, लग रहा है डबल डबल टीम अप करने वाले हैं। डबल टीम अप हो सकता है, वैसे हो गया जेउसो पर डबल टीम अप हो चुका है। और रोमन रेंस के पास भी एक स्पीयर है जो कि जेउसो अगर रिवर्स ना करें तो ठीक है, क्योंकि जेउसो जेउसो ये रोमन रेंस का फिर से रिवर्स हो जाता है कभी कभी, अगर ये वाला हुआ तो। अगर लगा देंगे क्या, जी गए तम वन ड्रॉप लगा दिया जेउसो। अरे सही है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था इधर। लग रहा है रोमन की, बट हाँ रोमन रेंस के ऊपर भी डबल टीम अप हो चुका है। किक वाला है, लग तो रहा है किक वाला है, किक वाला नहीं है, समोन ड्रॉप है ना ये वाला मुँह, मुझे याद नहीं है ठीक से, आप लोग बताओ। रैंडी ओटन के पास अभी सिग्नेचर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये गया था, अच्छा ये उठा पटक रहे थे, मुझे लग रहा है उठा के डायरेक्ट अंदर फेंक रहे हैं। अभी रोमन रैंडी ओटन थोड़े गुस्से में, नए नए आए ना, और रोमन रेंस थोड़ा मार भी खा चुके थे। अभी अंदर चल के इनके ऊपर एक स्पीयर लगेगा रैंडी ओटन के पास, एक फिनिशर इनके पास पहले ही लग चुका है रैंडी के पास, सॉरी रैंडी ओटन ही बोल रहा था मैं। मेरा अभी थोड़ा मैं सॉरी सीएम पंक को टैग मिल गया, सही। और सीएम पंक के पास दो फिनिशर हैं, ये थोड़ा ख़राब बात है रैंडी ओटन के लिए, वरना सबसे पहला फिनिशर तो रैंडी ओटन ही लगाते हैं। फिर सो जाएगा कि नहीं, हुआ बहुत भयंकर था ये वाला। अरे इतनी जल्दी पिनफॉल तो नहीं होगा, इतनी जल्दी अभी तो नहीं, फिलहाल नहीं, बच गए। अभी सीएम पंक के पास रेजिलेंसी भी अभी यूज कर सकते हैं। ओह रैंडी अपनी फॉर्म में आ गए, पुराने किक लग जाएगा भाई, मुझे लग रहा था रिवर्स हो जाएगा इस बार। और अगर आप लोग नए आए हैं मेरे चैनल में तो लाइक ज़रूर करिएगा। रोमन रेंस अपना स्पीयर दे, मुझे लगा स्पीयर देंगे आप, लेकिन नहीं दिया, रिवर्स हो जाएगा ये, यस। वैसे रैंडी ओटन इस मैच पे काफ़ी ज़्यादा पीटे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके पास रैंडी ओटन, फिर सीएम पंक को टैग मिल गया, चलो थोड़ा तो बराबरी का हुआ। रैंडी ओटन भाई एक सिग्नेचर तो लगा ही दो, लगाएं। रोमन रेंस के पीछे पड़े हैं सीएम पंक, थोड़ा कांड कर सकते हैं क्योंकि इनके पास डबल फिनिशर है, और अगर एक फिनिशर लगाया तो दूसरा फिनिशर जहाँ तक ही लगा देंगे। अरे लेकिन हाँ, रैंडी ओटन इतने डैमेज नहीं है जितने सीएम पंक है। अगर बुक देखें इनकी पूरी, ये इनके हाथ और पांव छोड़ के पूरी बॉडी येलो है, और जहाँ तक थोड़ी लग गया, रिवर्स कर दिया रैंडी ओटन। अब रैंडी ओटन के पास भी दो फिनिशर हैं एक तरीके से। करने जा रहे रैंडी, और सिर्फ फोड़ेंगे क्या, चलो रिवर्स कर, ओ सॉरी टैग देने जा रहे हैं जेउसो को। अगर सीएम पंक थोड़ा सा वहाँ से हिल जाते हैं तो जेउसो अपना एक फिनिशर लगा बच गए हैं, थोड़ा सा मिस फॉल हो गया, बच गए हैं। जेउसो को फिनिशर लग सकता था अगर थोड़ी सी और लेट हो जाती। सब रोमन रेंस के पीछे ही पड़े हैं, ठीक है, रोमन हर बार पीछे से किसी एक ने एक को मार के एकदम बहका दे रहे हैं कि मुझे
सब कंफ्यूज कर रहे हैं, इतनी दूर से ले जा रहे हैं ग्रिप पे जाके तो नहीं होगा, अगर थोड़ा फेंक दे दे तो ज़्यादा सही रहेगा। गेम पंगे सही मूव आ रहा है, बच गए। सीएम पंग ने रिवर्स कर दिया क्या? नहीं, सीएम पंग ने रिवर्स कर दिया है जेउसो का स्पीयर। चलो सही है, लेकिन अब जेउसो के लिए थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि मुझे जेउसो से उम्मीद थी कि एक फिनिशर तो लगा ही देंगे। चलो रैंडी ओटन को टैग मिल गया, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत की बात है क्योंकि सीएम पंग की बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और रैंडी ओटन के बाद दो दो फिनिशर हैं और सिग्नेचर भी है साथ में। अगर है नॉर्मल मुंह से नहीं, सॉरी ये वो था क्या, सिग्नेचर था, ये क्या कर रहे हैं? रैंडी ओटन ने रेफरी को दे दिया, लेकिन रोमन ने ग्लिटिन लगा दी है, लेकिन रैंडी ओटन ने अपनी रेजिडेंसी यूज कर लिया है। सही है, कोई बात नहीं, रोमन के पास अभी भी मौका है। चलो रोमन रिंग ने एक फिनिशर और रिवर्स कर दिया रैंडी ओटन का। अब जहाँ तक रोमन रिंग अपना स्पीयर देने जा रहे हैं। सही है, रैंडी ओटन भी काफ़ी डैमेज है, मुझे लग रहा है कि दो एक फिनिशर तो इनके लग ही चुका है। अभी यार जेउसो को भी लगाना बाकी है क्योंकि जेउसो भी ज़्यादा मार नहीं खाया, उनके फिनिशर भी नहीं लगा हुआ है। रोमन रिंग ने डबल स्पीयर लगा दिया एक बार में, डबल फिनिशर। इस बार मुझे लग रहा है रैंडी ओटन बच गए, मुझे लग नहीं रहा था कि बचेंगे क्योंकि तीन फिनिशर खा चुके हैं रैंडी ओटन। पिन फॉल हो सक नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तक रोमन रिंग चाहे तो जेउसो को मार मार के अपनी थोड़ी एक लाइन बढ़ा सकते हैं नीचे वाली, सॉरी ये नीचे वाली लाइन को कहते क्या हैं आप लोग में से कोई देख रहा है तो बताएगा। भाई रैंडी ओटन के पास अभी भी एक फिनिशर है और रोमन रिंग्स के पास भी एक अब फिनिशर आ चुका है और थोड़ी देर में जहाँ तक सिग्नेचर भी आ जाएगा। इस बार अगर रैंडी ओटन को अपना एक सॉरी रोमन रिंग अगर एक फिनिशर लगा देते हैं रैंडी ओटन इस बार तो नहीं बच पाएंगे, या सिग्नेचर जो कुछ भी लगा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी रैंडी ओटन तीन सिग्नेचर खा चुके हैं, सॉरी फिनिशर खा चुके हैं। वैसे गलत तरीके से मार रहे थे रैंडी ओटन, गलत रिवर्स हो गया। इस मैच के बाद से मैं नीचे वाली हेडलाइन हटा दूंगा, ठीक है? ये सुपर स्टोर हेड बहुत थोड़ा मुझे ख़राब लगता है। यार रोमन रिंग आज बहुत सही खेल रहे हैं, रोमन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा रेड है यार, और मुझे लग रहा है थोड़ी देर में क्या पता इनका हेड भी रेड हो जाए जिस तरीके से रैंडी मार रहे हैं। जेउसो को टैग दे दो रैंडी, क्योंकि रैंडी ओटन के पास फिनिशर है और कभी भी इनका भरोसा नहीं है, कभी भी लगा सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार रोमन रिंग को थोड़ा रिवर्स करने में दिक्कत हो सकती है, डबल टीम अप हो चुका है रोमन रिंग के ऊपर वो भी। चलो सही, नॉर्मल वाला है, मुझे लगा खतरनाक वाला जैसे पहले मारे थे वो थोड़ा खतरनाक था, काफ़ी खतरनाक था यार। ये जेउसो भी अब तगड़ा खेल रहे हैं, जेउसो का क्या चल रहा है आजकल आप लोग को पता है यार? ये हेडी हेड मार रहे हैं, बताओ। रोमन का हेड भी अब ऑरेंज हो चुका है, कोई रिवर्स कर दिया। चलो सही है, एक सिग्नेचर, चलो लग रहा है एक सिग्नेचर ये फिनिशर जेउसो के ऊपर लगने वाला है। चलो सुपरमैन पंच लगा है, सही है, 1-2। चलो अब रैंडी ओटन अंदर नहीं आ पाएंगे, अब यही मौका है कि एक बार रोमन चाहे तो पिन फॉल कर सकते हैं जेउसो का, लेकिन हाँ जेउसो भी अपना एक रेजिलेंसी यूज कर लेंगे, एक बार तो बच जाएंगे लेकिन उसके बाद नहीं बच पाएंगे। रिवर्स कर दिया लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, अभी जेउसो के पास फिनिशर है ना ही सिग्नेचर है, कोई बात। सुपरमैन पंच ने फिनिशर लगाने जा रहे थे, अरे जेउसो ने अपने एक सिग्नेचर छीन लिया यार रोमन का, ये काफ़ी ख़राब हुआ रोमन के साथ क्योंकि तो रोमन के पास फिनिशर कम है, इनकी टीम के पास फिनिशर काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोग कोर्ट से देखें तो रैंडी ओटन के पास एक तरीके से दो फिनिशर और एक सिग्नेचर है, समझ लीजिए कि तीन है, और जेउसो के पास भी लगभग दो ही हैं। वैसे रोमन अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि मैच जीतने की, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, मुझे लगा नहीं था कि इतनी देर टिक पाएंगे रोमन, क्योंकि दोनों
दोनों हरामी हैं। रैंडी ओटन तो मुझे सबसे ज़्यादा हरामी लगते हैं, अब थोड़ा कम लगते हैं, पहले ज़्यादा लगते थे। जल्दी से अंदर आ जाओ रोमन, चलो अंदर आ जाओ जल्दी से, नहीं तो जेउसो टाइम आउट ना करवा दें यहाँ से। क्या अरे जेउसो की नया मूव क्या अपडेट में लग रहा है चेंज हुए हैं, मूव काफ़ी चेंज हुए हैं क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पहले खेल रहा था जेउसो के मूव इतने भाई स्टनर था क्या ये, इतना पता है कि स्टनर है कौन सा स्टनर है ये नहीं पता। भाई लग रहा है टाइम आउट करा देंगे जेउसो रोमन का, कितना हो गया क्या हो गया 7 या 8 हुआ है, सॉरी मैं सुन नहीं पाया हूँ ठीक से क्योंकि आवाज़ मैंने थोड़ी रिवर्स कर दिया क्या। जेउसो अपना फिनिशर लगाने जा रहे थे रोमन के पास, चलो ग्लिटिन लगा दी है, चलो रोमन जल्दी अंदर जाओ अंदर जाओ, टाइम आउट ना हो जाए, जेउसो का टाइम आउट हो जाए, जाओ जल्दी अंदर जाओ। क्या कर रहे हैं रोमन, साइड से ही चले जाओ, ये टाइम आउट में हो जाए सही है। रेफरी भाई क्या हो गया रेफरी को, ओह सॉरी मैं भी बेवकूफ हूँ, मैंने वो हटा दिया है, टाइम आउट है ही नहीं, नो काउंट है इसमें। सॉरी मुझे याद नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रिवर्स कर दिया, लेकिन अब एक चांस है रोमन पिन देने का, ट्राई करो एक बार क्योंकि तो रैंडी, चलो सही है रैंडी ओटन अंदर नहीं आ पाएंगे फिलहाल। 1 2 बच गए, रेजिलेंसी यूज कर लिया रिजे उसने, अब एक फिनिशर लगा दो रोमन, जो कि लगा सकते हैं चाहे तो लगा दिया, अब तो इनका मुझे लग रहा है टाटा हो गया, जेउसो का टाटा हो चुका है। यस अब केवल रैंडी बचे हैं जिनके पास दो दो फिनिशर हैं और जो कि बहुत ज़्यादा लगा दिया एक। अरे यार ये रैंडी ओटन कोई नहीं,